हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज क्रिएटिव स्किल्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये कोस्टर्स बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मेकिंग ऑफ मैक्रेमे कोस्टर। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ये कॉर्ड्स और साथ में सीजर। ये 1 mm मोटी स्ट्रिंग्स हैं, जो 3-ply वाली आती है ना, उससे मैंने एक एक अलग करके इस तरह से ले लिया है। और बाकी की जो आप ब्लैक वाली देख रहे हैं, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले से ही हम कट करके इसे भी ले लेते हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम 15 इंचेस के ले लेंगे स्ट्रिंग्स, वाइट कलर की और साथ में ब्लैक कलर की। ये टोटल 7 स्ट्रिंग्स हमें मिल गई। और साथ में ये जो सबसे लंबी वाली देख रहे हैं, ये 30 इंचेस की है। अब हम इसे इस तरह से एक गोलाकार में इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेंगे, और बाकी के जो 5 स्ट्रिंग्स हैं उसे हम डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद ये हमारा 7.5 इंचेस का हो गया है। और जो सिंपल नोट होती है ना, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस तरह से हम इसे सिंपल नोट लगा लेंगे। और इसी तरह से हम चारों बाकी के भी जो स्ट्रिंग्स बाकी बचे हैं, उससे भी हम सेम तरीके से नॉट्स लगाते चलेंगे। ये बहुत ही आसान है। हमें पांचों स्ट्रिंग से क्लीन नॉट लगाते जाना है, ताकि हमारा एक इवन लुक आए और ये दिखने में लास्ट में खूबसूरत लुक दे। इस तरह के कोस्टर्स अभी मार्केट में काफ़ी इन हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत आसान है बनाना। अब देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया पांचों स्ट्रिंग। अब इसके एक साइड से हमें इसे खींचना है, इसे ज़ोर से, ताकि बीच में कोई भी गैप नहीं रहे। अब हम इसे फ्लैट सरफेस पे कुछ इस तरह से रख करके इसे फैला लेते हैं। और बीच में अगर एक स्टैम्प कर देते हैं हम एक पिन से, तो ये बेटर रहेगा हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में। अब हम इस तरह से अपोजिट फोल्ड लिखते हुए चलेंगे। जो हमारा मेन स्ट्रिंग था ना 30 इंचेस वाला, उसके ऊपर से करते हुए इसके अंदर से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और सिक्योर कर लेंगे। फिर सेकंड सेम स्ट्रिंग से हम अपोजिट फोल्ड लिखेंगे और इसे इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हम आगे गोलाई में बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक गैप नज़र आ रही है, तो इसे हम ये ब्लैक स्ट्रिंग से, आप चाहें तो वैसे सेम कलर भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर तो कोई डिफरेंट कलर भी कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं। वाइब्रेंट कलर्स भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो जिस तरह में हमने स्टार्टिंग में एक सिंपल नॉट दिया था, उसी तरह से इस पर भी देते चलेंगे। और बाकी के सेम अपोजिट फोल्ड लिखते हुए इसमें हम एक सर्कुलर नॉट क्रिएट करते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे हमारा धीरे धीरे पैटर्न विजिबल होने लगेगा कुछ इस तरह से। अब इस तरह से हमें एक कोस्टर साइज में इसे कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ भी इस तरह से गैप आएगी, हम इसे मेजर करते चलेंगे बाकी के बचे हुए स्ट्रिंग से, और उसे डबल करते हुए उसे हम नॉट लगाते चलेंगे। इस तरह के नॉट को हम हाफ हिच नॉट कहते हैं, और चूँकि हम इसे दो बार कर रहे हैं, तो ये डबल हिच नॉट कहलाएगा। क्लियर विजन के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लोज लुक दिखाया है। यहाँ पर ट्रायंगल शेप मुझे ब्लैक वाली से चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है। और साथ में यहाँ पे गैप भी हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 times इसे ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यह हमारा कंप्लीट हो गया गैप। अब बाद वाली ऐसे ही सिक्योर कर लेते हैं। और इसके बाद से देखिए, मैं एक आपको क्लियर व्यू के लिए एक ये नोट भी दिखा रही हूँ हिच नोट करके। यहाँ पर देखिए, मैंने अपोजिट फोल्ड लिख करके इसे पकड़े रही और इसे खींच लिया। तो ये हमारा पहला वाला हो गया और इसे नीचे की ओर कर दिया। फिर सेकंड टाइम भी हम सेम स्ट्रिंग से अपोजिट फोल्ड ले लेंगे और इसे कुछ इस तरह से ऊपर खींचते हुए फिर नीचे की ओर लेते आएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम आगे भी करते चले जाएंगे। अब तो क्लियर है, तो अब आप भी ट्राई कीजिए। और इसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ टूल से या टूथपिक से हम इसे सेपरेट कर देंगे, या फिर तो कॉम से। यहाँ पर मैंने इसे स्मूथ आउट कर लिया है। अब जो स्ट्रिंग सबसे छोटी आपको इसमें दिख रही हो, उसे ही बेस लेते हुए इसे इवन कट कर लेंगे, ताकि हमारा एक परफेक्ट सर्कल शेप मिल जाए।
अब एक लास्ट में फिर से हम इसे थोड़ा सा कॉम्बिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा बेटर तरीके से स्मूथ आउट हो जाता है। यहाँ पर मैंने भी यही किया है। और इसके बाद फिर से इसे लास्ट ट्रिमिंग एक दे देते हैं। ये अब कंप्लीट हो गया है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी इसे बनाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके बताइए या स्टेटस पे टैग करके शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें बनाने में परेशानी आए, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया है तो आपको तो पता ही है, सब्सक्राइब कर लेना है आगे की ट्यूटोरियल्स के लिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।